अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह माई ABL बैंक अकाउंट से, मतलब आपने मोबाइल ऐप से इजी पैसा में आप किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिए और लास्ट में अपनी कीमती राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं अपने मोबाइल ऐप का जो मेरा बैंक है MyABL उसमें लॉगिन हूँ। मेरे पास अगर बैलेंस आपको शो करूँ तो ओनली 23 रुपीज़ हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं मेथड बता सकूँ कि आप किस तरह अपने MyABL अकाउंट से इजी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, ट्रांसफर्स पे, ठीक है ना। तो इस ट्रांसफर्स वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। जिस ऑप्शन पे आपने काम करना है वो है न्यू पाई। आपने न्यू पाई पे क्लिक कर देना है, राइट। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक है अकाउंट टाइप में, आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें है ABL अकाउंट, MyABL वॉलेट, और दूसरा इसके संग में है अदर बैंक। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, राइट। सो सिंपली आपने भी इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें है फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट बैंक, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेलेक्ट बैंक। इसके बाद है ट्रांसफर्स टू, इसके बाद अमाउंट। तो ये आपने सेलेक्ट कर देनी है, राइट। सिंपली हमने क्या करना है, अपनी बैंक को हमने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आपके साथ सामने नज़र आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ सिंपली सर्च कर देना है यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इजी पैसा ये वाला मेरा बैंक है, मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर बैंक जो हमारा है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, मैं बताना चाहूँगा वो ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर्स टू। इसमें हमने अपने इजी पैसा का अकाउंट नंबर दे देना है, राइट। और यहाँ पर हमने जितने पैसे भेजने हैं वो राइट कर देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेरे पास IBN मैंने कॉपी किया है अपना, मैं वो यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं अपना इजी पैसा का नंबर राइट करता हूँ। तो लेट्स सी, मैंने ये नंबर राइट कर दिया और यहाँ पर हमने अमाउंट लिख लेनी है, लेट्स सी 5 रुपये, 5 रुपीज़ ओनली, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ तक। और अब लास्ट में ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, पर्पज़ है। तो अगर आप पर्पज़ देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं तो पर्पज़ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, पर्पज़ आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे फैमिली सपोर्ट। और सिंपली नेक्स्ट आपने करना है ट्रांसफ़र पे क्लिक, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम चले जाएंगे अगली वाली विंडो में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल्स शो हो रही हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो अकाउंट से हम जिनको जिस अकाउंट से हम सेंड कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। जो बेनिफिशरी अकाउंट है उसका नाम ये है और उसका अकाउंट नंबर ये है, ये उसके बैंक का नाम है, ठीक है ना। तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, सिंपली आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, एंटर OTP। OTP जो है आपको आपके नंबर पर आ जाएगी, जो आपके मोबाइल नंबर, मतलब आपका नंबर जिस जो आपके बैंक अकाउंट में है उस पर आपको मैसेज आ जाएगी, और सिंपली आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी ट्रांजेक्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है डिलीवर। तो आपको मैसेज भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप जो है अपनी पेमेंट टैक्स जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो सॉरी अपनी बैंक लिमिट की जो लिमिट है वो किस तरह से सेट करवा सकते हैं। तो वीडियो के एंड में अपनी राय ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।